वेलकम टू परचम क्लासेस क्लासेज एम्बूमिका प्रजापति सो हमारी एम सी क्यू सीरीज चल रही है एंड आज से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे सो so, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस एम सी क्यू सीरीज में वो है अरब एंड टर्किश इन्वेशन के बारे में बिकॉज यहीं से कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम पावर जो है स्लोली स्लोली स्टैब्लिश होना शुरू हुआ था इसलिए ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट सो मेक श्योर लेक्चर को एंड तक देखिए बिकॉज आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अच्छे क्वेश्चन इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे क्लियर सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं सो देखिए बिफोर स्टार्टिंग हम लोग ये देख लेते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन भारत में कैसे हुआ राइट एंड कौन कौन से मेन रूलर्स है तो जो पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन भारत में हुआ था वो था अरब मुस्लिम इन्वेजन एंड जिन्होंने सक्सेसफुली इस इन्वेज़न को करा था वो थे मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 712 एडी सिंध पर अटैक करा था और ये पहला सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन था भारत का क्लियर इसके अलावा टर्किश मुस्लिम इन्वेजन हुए जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स जिसके बारे में हम लोग यूजली देखते हैं वो है महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी ठीक है आज आपको मेनली इन तीन रूलर्स से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देखने को मिलेगा इस लेक्चर में और इसी के बाद मोहम्मद गौरी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट सीरीज लगाएंगे क्लियर तो हम ये समझ गए कि हाँ अरब मुस्लिम इन्वेशन हुआ था टर्किश मुस्लिम इन्वेशन हुआ था और रूलर्स के नाम हमने देख लिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इससे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन है सोमनाथ टेम्पल वाज प्लंडर्ड बाय महमूद ऑफ गजनी ठीक है एक टेम्पल था गुजरात में दैट इज सोमनाथ टेम्पल राइट right? इसको प्लंडर कर दिया गया था बाय महमूद ऑफ गजनी जो कि एक टर्किश इन्वेडर थे ये कौन से साल में हुआ था ठीक है सोमनाथ मंदिर को गजनी के महमूद ने किस साल में लूटा था ये क्वेश्चन है राइट right? इसका करेक्ट आंसर है 1025 एडी

क्लियर ये नाम भी आप याद रखना, राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेन okay, ट्वेंटी है जितने भी इन्होंने करी थी, तो सबसे पहली रेड वो इन्होंने करी थी वन थाउजेंड एडी में राइट right? ये पहला अटैक पेशावर पे करा था एक शाही रूलर जिनका नाम है जयपाल क्लियर उसके बाद 1001 एडी में करा था ठीक है एक हिंदू शाही रूलर जिनका नाम था जयपाल वो तो पहले ही हार चुके थे यहाँ पर एक बैटल ऑफ वेहिंद होता है इन वन एडी ये आनंद पाल नाम के एक पर्सन है एक रूलर थे इनके साथ हुआ था क्लियर इसके बाद टेन फोर्टीन ए डी में इन्होंने अटैक करा था देखिए मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ बिकॉज इनकी क्रोनोलॉजी से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्टली एक पता चल गया हाँ टेन फोर्टीन ए डी में थानेश्वर पर अटैक हुआ था ठीक है उसके बाद उन्होंने कन्नौज और मथुरा पर अटैक करा था इन टेन एटीन ए डी ये याद रखना तो देखिए सबसे पहले बैटल ऑफ वैहिंद हुआ इन 1001 उसके बाद 1014 में थानेश्वर तो पहले वैहिंद देन थानेश्वर उसके बाद मथुरा एंड कन्नौज तो क्या दिख रहा है हमको वैहिंद थानेश्वर मथुरा एंड कन्नौज उसके बाद कलेंजर पर अटैक करा इन 1019 1020 एंड 1025 तो आप लोगों को इसका ईयर के साथ याद रखना है बिकॉज़ इस समय हुआ था सोमनाथ टेंपल पर इन्होंने अटैक करा था एंड भीम वन जो है जो कि चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उस समय वहां पर रूल कर रहे थे ठीक है तो टेन ट्वेंटी फाइव तो आप लोगों को याद रहेगा तो डब्ल्यू टी एम के ठीक है ऐसे करके याद रखना डब्ल्यू टी एम के तो डब्ल्यू क्या है वेहन टी थानेश्वर एम मथुरा एंड कन्नौज एंड के इस फॉर कलंजर ठीक है और उसके बाद टेन ट्वेंटी फाइव वाला सोमनाथ टेम्पल वो आप लोगों को याद ही रहेगा इसके बाद एक ये याद रखना टेन ट्वेंटी सेवन वाला बिकॉज ये लास्ट रेड थी जो इन्होंने भारत में करी थी मतलब ये लास्ट टाइम भारत आए थे और भारत आने का मकसद ये था कि कुछ जट थे उन्होंने क्या करा था इनकी इन लोगों की शिप्स जो है लूट ली थी ठीक है तो उनको पनिश करने के लिए ये भारत आए थे लास्ट टाइम टेन ट्वेंट टेन ट्वेंटी सेवन ए डी में एंड टेन थर्टी में इनकी डेथ हो जाती है इन टोटल इन्होंने भारत पर सेवनटीन टाइम्स जो है क्या करा था रेड करा था ये चीज़ भी आप लोग याद रखना क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन टू महमूद ऑफ गजनी हिंदू शाही डायनेस्टी ठीक है गजनी के महमूद ने हिंदू शाही वंश के किस शासक को हराया था तो हम अभी देखे हैं 1000 थाउजेंड एडी में जो उन्होंने पहला अटैक करा था उन्होंने पेशावर के एक रूलर थे जिनका नाम है जयपाल उन्हें डिफीट करा था जो कि एक हिंदू शाही रूलर थे क्लियर यहां से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं तो याद रखेगा क्या नाम है पहला पर्सन या फर्स्ट रूलर ऑफ हिंदू शाही जिनको महमूद मेहमुदी ने डिफीट करा था उनका नाम था जयपाल क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर द बैटल वॉज फोर्ट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम ठीक है एंड दाहिर द रूलर ऑफ सिंध वॉज कौन सा बैटल मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर जो कि सिंध के रूलर थे उनके बीच लड़ा गया था वो बैटल का क्या नाम है ये पूछा गया है ठीक है उस युद्ध का नाम बताइए जो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के शासक दाहिर के बीच लड़ा गया था तो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ रेवार राइट सो बेसिकली ना इसके पीछे एक बैक स्टोरी है बैक स्टोरी ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक के यूजुअली दो रीजंस बताए जाते हैं कि एक तो धर्म को प्रपोगेट करने के मकसद से आए थे और दूसरा कि भारत में काफ़ी ज़्यादा वेल्स थी उसे लूटपाट के लिए जो है इस पर्पज़ से आए थे बट इसका एक और जो है इमीडिएट रीज़न वो ये था कि सिलोन uh, से बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं उस डायनेस्टी के लिए भेजे जा रहे थे और अल हजाज जो कि ईरान के बेसिकली उस समय गवर्नर हुआ करते थे और जो खलीफे थे उस समय उनके लिए गिफ्ट्स भेजे जा रहे थे ठीक है इस दौरान सिंध में वहाँ के पायरेट्स ने इन लोगों की शिप्स जो है वो लूट ली Clear? तो मोहम्मद बिन कासिम ने और अल हजर जो कि गवर्नर थे उस समय उन्होंने डिमांड करा था दाहिर से कि आप लोग हमारी चीजें हमें लौटा दीजिए और एक अपोलॉजी जो है बेसिकली मांगी थी कि माफी मांग लीजिए सो दाहिर ने कहा कि मैं आप लोगों को आपका सामान कैसे दे सकता हूँ राइट right? मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं वो लोग पायरेट्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे तो ये चीज़ जब दाहिर ने इनकार कर दिया ना तो माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा और मैं उन पायरेट से आप लोगों का सामान भी आपको ला नहीं दूंगा यह जो है इमीडिएट रीज़न माना जाता है जहाँ अल अलजत और उस समय जो कैलिफेड थे उमायत कैलिफेट के जो रूलर थे उन्होंने कहा कि आप जो है अब जाकर इन्वेड करेंगे भारत में और यहीं पर पहला इन्वेजन किया गया था सिंध के ऊपर जिसमें दाहिर जो कि उस समय सिंध के रूलर थे उनके साथ बैटल ऑफ रिवार हुआ और उसमें उनको ईजिली डिफीट कर दिया गया था और इसलिए इसे फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन कहा जाता है क्लियर तो बैटल ऑफ रिवार समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया क्या हो जाएगा बैटल ऑफ रिवार जो कि मोहम्मद बिन कासिम एंड दाहिर जो कि सिंध के रूलर थे उनके बीच हुआ था टल वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड एड अगर हम बैटल ऑफ रिवार के बारे में देखें सो मोहम्मद बिन कासिम एंड सिंध के जो रूलर थे दाहिर उनके बीच में हुआ था जिसमें जो कि एक ब्राह्मण रूलर थे ऑफ पंजाब ही लॉस द बैटल और सिंध और मुल्तान जो है उसे कैप्चर कर लिया गया था किसने मोहम्मद बिन कासिम ने उसे कैप्चर कर लिया था ठीक है इसी बैटल के बाद उन्होंने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा था तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ठीक है किसने कहा था मोहम्मद बिन कासिम ने किसको मुल्तान को क्या कहा था सिटी ऑफ गोल्ड ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा था जब उन्होंने सिंध और मुल्तान को कैप्चर कर लिया राइट तो उन्होंने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंध और मुल्तान को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा था राइट तो उन पार्ट्स को क्या कहा गया था ये पूछा गया है सो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को कई डैश में विभाजित किया था तो उन्होंने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंध और मुल्तान को इकताज में डिवाइड करा था तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इकता Next question, that is question number 5. Question number 5 says Muhammad bin Qasim, who was the first Muslim to have successfully invaded Sindh in 712 AD, was commander of which caliphate? ठीक है मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने 712 एडी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले वो पहले मुस्लिम थे ये किस किस कैलिफेट के कमांडर थे तो ये थे उमायद कैलिफेट के कमांडर थे ठीक है सो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम उमायद कैलिफेट के कमांडर थे एंड गवर्नर कौन थे गवर्नर थे अल हजर ठीक है बिकॉज अल हजर जो है के नेफ्यू थे मोहम्मद बिन कासिम एंड अल हसस के कहने पर ही इन्होंने भारत में पहला इन्वेजन किया था दैट टू अ सक्सेसफुल वन क्लियर तो 712 एडी में हुआ था पहला इन्वेजन तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा उमायद डायनेस्टी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स तो अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज लेड इजी क्वेश्चन अभी तक बहुत बार बता चुकी हूँ so, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम ठीक है so, सो पहली चीज इन्होंने सिंध पर पहला अटैक करा था 712 एडी में किसकी परमिशन से तो खलीफ अल वालिद जो कि उमायद डायनेस्टी के खलीफ थे उस समय उनकी परमिशन से इन्होंने भारत पे इन्वेड करा था पहले मुस्लिम थे सक्सेसफुल इन्वेजन था नेफ्यू किसके थे मोहम्मद बिन कासिम तो अभी बता चुकी हूं अल हसस जो है उनके नेफ्यू थे और अल हसस कौन थे तो ये गवर्नर थे अरब प्रोविंस ऑफ बसरा के क्लियर सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक इजी क्वेश्चन था अब यहाँ पे पूछा गया है पहला तुर्क ठीक है द फर्स्ट टर्क टू इन्वेड इंडिया वॉज अभी मैंने आपको बताया था द फर्स्ट अरब जिन्होंने फर्स्ट अरब मुस्लिम जिन्होंने भारत पे इन्वेड करा था वो हम अभी तक देखे जो कि थे मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर पूछा गया है भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क कौन थे तो वो थे महमूद ऑफ गजनी Clear? तो क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद 1000 गजनी जिन्होंने पहला इन्वेजन करा था क्लियर सो so अगर हम गजनी की बात कर ले तो एक छोटा सा किंगडम है अफगानिस्तान में ठीक है जिसकी स्थापना एक टर्किश नोबलमैन ने करी थी इनके एक सक्सेसर थे जिसका नाम है महमूद वो चाहते थे कि गज़नी जो है बड़ा और एक पावरफुल किंगडम बने ठीक है इसलिए महमूद ने डिसाइड करा था कि वो सेंट्रल एशिया को भी कॉन्कर करेंगे और गज़नी के साथ जोड़ना चाहेंगे ताकि एक बड़ा पावरफुल किंगडम गज़नी बन सके राइट right? इस ऑर्डर में कि गजनी जो है एक बड़ा एम्पायर बने पावरफुल एम्पायर बने राइट right? महमूद को एक बड़ी प्रॉपर्टी की जरूरत थी और बड़ी प्रॉपर्टी के लिए उनको ज्यादा रुपए की जरूरत थी इसलिए ही डिसाइडेड कि वो इंडिया पर रेड्स करेंगे और इंडिया में जितनी भी वेल्थ है उसे चोरी करके लाएंगे ताकि उनके बड़े एम्बिशन को वो क्या कर सके फुलफिल कर सके इसी एम्बिशन से उन्होंने भारत में इन्वेड करा था क्लियर तो यह याद रखना एंड फर्स्ट टर्म टू इनवेड इंडिया वॉज ऑल्सो महमूद ऑफ गजनी नेक्स्ट क्वेश्चन महमूद ऑफ गज़नी ही इन्वेडेड इंडिया डैश ड्यूरिंग 1000 से 126 एडी उन्होंने भारत में कितनी टाइम्स जो है मतलब कितने टाइम्स उन्होंने इन्वेड कराया रेड करी है क्वेश्चन में ये पूछा गया है महमूद ऑफ गजनी ने 1000 थाउजेंड टू वन थाउजेंड के दौरान भारत पर डैश आक्रमण किए हैं सो so, मैं ये स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ उन्होंने भारत पे कितने आक्रमण करे थे सेवनटीन आक्रमण करे थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन द फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी ठीक है ये गजनी डायनेस्टी जो कि अफगानिस्तान में एक छोटी सी डायनेस्टी स्टेब्लिश की गई थी जो कि एक टर्किश रूलर ने करी थी यहाँ पे ये पूछा गया उस टर्किश रूलर का नाम क्या था जिन्होंने इस गजनी वंश का नींव रखी थी ठीक है सो गजनी वंश के संस्थापक का क्या नाम था तो वो है सुबुक्त ठीक है जिन्होंने गजनी डायनेस्टी डायनेस्टीब्लिश करी थी अफगानिस्तान में क्लियर तो इसका आंसर हो जाएगा सबुक्त नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर में पूछा गया है शाहनामा वॉज रिटन बाय ठीक है शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था इसका करेक्ट आंसर है फिरदौसी फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है बेसिकली एक बुक है जिसमें जितने भी ईरानियन हीरो उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो में बना, बताना है बट इसके अलावा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर भी आप लोगों को है ठीक है ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है किताबुल हिंद इसके लेखक कौन है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन महमूद केम बैक टू इंडिया फॉर लास्ट टाइम इन डैश टू पनिश द जट ठीक है ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताई थी कि एक लास्ट टाइम ये भारत आए थे देखिए इनकी डेथ तो 1030 थर्टी ए डी में हुई थी ठीक है बट इसके पहले एक लास्ट टाइम ये 1027 ट्वेंटी सेवन ए डी में भारत आए थे उनका भारत आने का रीज़न ये था कि जो जट थे इन्हें इन लोगों ने उनकी जर्नी के टाइम पर उन लूटपाट जो है जटों ने मचाई थी जिस कारण से इनको पनिश करने के लिए फॉर वन लास्ट टाइम वो भारत आए थे दैट वाज इन 1027 एडी, क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 1027 एडी, क्लियर सो ये इन जट को पनिश करने के लिए आए थे बिकॉज जब वो रिटर्न हो रहे थे सोमनाथ से अपने देश वापस उस दौरान काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने परेशान करा था उनकी इनको काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान बेसिकली करने की कोशिश की गई थी तो इसीलिए इनको पनिश करने के पर्पज से महमूद वापस से भारत आए थे और इन लोगों को सीवियरली पनिश करा था एंड दे ऑल्सो एनस्लेव दर वुमेन एंड चिल्ड्रेन ठीक है सो ये चीज़ आप लोग याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जिसके आई गेस आप सभी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन से फेमिलियर होंगे इसमें मोहम्मद गौरी उनको किसने डिफ़ीट करा था ठीक है तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई थी ठीक है तो उनको डिफ़ीट करने वाले पर्सन कौन थे हम सभी जानते हैं वो थे पृथ्वीराज चौहान तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है 1191 एडी में हुई थी जो कि मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज के बीच में हुई थी जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को ईजिली डिफ़ीट कर दिया था ठीक है अब आप लोग मुझे यह बताइएगा कि मोहम्मद गौरी ने किस टेरिटरी को कैप्चर कर लिया था जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में यह बैटल हुआ था ठीक है सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया पृथ्वीराज चौहान ये भी मैं बता दू इलेवन में पहला बैटल ऑफ तराइन हुआ था सेकेंड हुआ था इलेवन नाइन्टी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर से इज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी वॉस ठीक है देखिए मोहम्मद गौरी के ना कुछ स्लेवस थे जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो मोहम्मद गौरी ने क्या करा अपनी उस टेरेटरी को उनके पास जो भी टेरिटरीज थी उनको अपने स्लेव के आ, स, आ, स्लेवस को दे दिया था उनके बीच में डिवाइड कर दिया था उसी में से एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस टेरेटरी को स्लेव डायनेस्टी के नाम से वहाँ पर रूल करना शुरू करा राइट right? तो उस सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर जिस कारण से दिल्ली सल्तनत भारत में शुरू हुआ था वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक क्लियर तो यहाँ पे पूछा गया है गौरी मोहम्मद मोहम्मद गौरी के सेनापति कौन थे तो वो थे कुतुब उद्दीन ऐबक जो बेसिकली उनके एक स्लेव थे और इसलिए उन्होंने जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई तो उन्होंने भारत में स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना करी थी जहाँ से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत राइट right? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ड्यूरिंग महमूद एक्सपीडिशन ऑफ इन्वेजन ठीक है हु गॉट फर्स्ट डिफीट इन पेशावर ठीक है ये इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एक और बार रिपीट हो गया बट नो प्रॉब्लम ठीक है महमूद के आक्रमण अभियान के दौरान पेशावर में पहली बार कौन हारा था तो हम सभी जानते हैं वो थे जयपाल राइट पेशावर में किसी को सबसे फर्स्ट टाइम इन वन एडी महमूद ऑफ़ गजी ने किसी को डिफीट करा था वो थे जयपाल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल अब देखिए यहाँ पर आ गया वो क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रही थी कि अक्सर एग्जाम में महमूद के इन्वेजन की क्रोनोलॉजी जो है पूछ ली जाती है क्लियर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ईयर के साथ आप लोग एक बार याद रखें कि कौन सा बैटल जो है किस टाइम पर हुआ था तो मैं अभी आप लोगों को बताई थी डब्ल्यू टी एम के एटलीस्ट इतना तो याद रखना तो डब्ल्यू काई के लिए था बैटल ऑफ वहन के लिए था बैटल ऑफ थानेश्वर ठीक है एम के लिए था तो मथुरा और कन्नौज और के, के लिए था तो के था कलर के लिए राइट right? और इसके बाद मैंने कहा था कि टेन ट्वेंटी फाइव तो आप लोगों को याद ही रखना है जो कि सोमनाथ में जो रेड हुई थी सोमनाथ टेम्पल पे वो ठीक है तो सबसे पहले हुआ है हमारा डब्लू Battle ऑफ वेहन उसके बाद बैटल ऑफ थानेश्वर तो ये हो जाएगा सेकेंड उसके बाद मथुरा एंड कन्नौज ये हो गया थर्ड उसके बाद कलंजर है ये हो गया फोर्थ तो और ये हो गया फाइव तो हमारा करेक्ट क्या है नीचे से ऊपर की तरफ क्रोनोलॉजी जा रही है तो वो जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी दैट इज फाइव फोर थ्री टू वन तो आपको क्या याद रखना है डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी एम के और लास्ट में सोमनाथ तो आप लोगों को याद रखना है उसके बाद वो फॉर वन लास्ट टाइम वो भारत आए थे वो था 1027 एडी में ठीक है और डेथ कब हुई है उनकी तो 1030 एडी में क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अरब इनवेजन इन इंडिया ठीक है भारत में अरब के आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या था स्टार्टिंग में ही बता देती मनी लॉन्ड्रिंग तो सबसे बड़ा रीज़न था ही था इसके अलावा वो इस्लाम रिलीजन को प्रोपोगेट करना चाहते थे इमीडिएट रीज़न जो था इमीडिएट रीज़न ये था कि जो इराकी रूलर थे अल हजस वहाँ उनकी जो शिप थी दैट वॉज लूटेड बाय पायरेट्स इन देवाल सिंध क्लियर क्वेश्चन में पूछा गया है वॉट वॉज द इमीडिएट रीज़न फॉर अरब इन्वेजन इन इंडिया ठीक है ऐसा नहीं है कि ये दोनों रीजन नहीं थे अरब इनमेशन के ये दोनों भी रीजन थे बट क्वेश्चन में पूछा गया है इमीडिएट रीजन इमीडिएट रीजन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज शिप ऑफ इराकी रूलर अल एड वाज लूटेड बाय पायरेट्स इन देवाल सिंध ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेज हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात ठीक है गुजरात के रूलर कौन थे वेन महमूद इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दी थी मैं राइट right? कि जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब गुजरात के शासक कौन थे तो उस समय गुजरात के शासक थे भीमदेव वन ठीक है इनिशियली मैं आप लोगों को इसका आंसर बता चुकी थी अभी आप लोग मुझे ये बताइए ये, ये दो मैं ये चीज भी बता चुकी हूँ कि भीमदेव वन

1192 नाइन्टी में सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन हुआ था एंड 1194 नाइन्टी में भी एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी दैट इज 1191 नाइन्टी वन ए डी एंड मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इस बैटल को किसने जीता था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन को जीता था पृथ्वीराज चौहान ने ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े दैट इज क्वेश्चन नंबर अभी मैंने बताया कि इलेवन नाइनटी वन एंड इलेवन नाइन्टी टू में बैटल ऑफ तराइन हुए बैटल ऑफ चंदावर राइट ये बैटल हुआ था मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के जो फादर इन लॉ थे <coughs> जिनका नाम है जयचंद्र इनके बीच में हुआ था ठीक है जो कि 1194 में हुआ था जयचंद्र वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ कन्नौज उन्हें इस बैटल में मार दिया गया था क्लियर तो याद रखना चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था ये मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुआ था क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी

एक मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है एक और थे जिनका नाम है बख्तियार खिलजी ठीक है बख्तियार खिलजी ने इन ट्वेल्व नॉट टू एंड ट्वेल्व नॉट थ्री विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बख्तियार खिलजी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक राइट ही फाउंडेड डैश डायनेस्टी आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कौन से वंश की स्थापना करी थी ठीक है तो उन्होंने स्टार्ट करी थी स्लेव डायनेस्टी जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है क्लियर और इसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले तो कंफ्यूज मत होना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी और एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछा गया है कि द तो महमूद ऑफ़ गजनी ने कौन कौन से टाइटल्स कौन कौन सी उपाधि जो है उन्होंने ग्रहण करी थी ये पूछा गया है सो द टाइटल्स अज्यूम बाय महमूद गजनी वॉज महमूद गजनी द्वारा ग्रहण की गई उपाधियाँ कौन कौन सी हैं क्लियर तो पहली चीज़ उन्हें बुद्ध शिकन के नाम से जाना जाता है दैट इज़ आइडल ब्रेकअप तो ये वाली टाइटल उन्होंने अज्यूम करा था।, था उसके बाद उन्हें यामीन उद्दौला के नाम से भी जाना जाता है ये टाइटल भी उन्होंने अज्यूम करा था गाजी टाइटल भी उन्होंने अज्यूम करा था एंड यमीन उल मिल्ला टाइटल भी उन्होंने अज्यूम करा था ठीक है तो ये सभी टाइटल्स व्यूम्ड बाय महमूद ऑफ़ गज़नी और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ठीके? याद रखना यामी उदौला गाज़ी बुद्ध शिकन जिससे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं उसके अलावा यामीन उलमिला ठीक है ऑल दीज टाइटल्ड बाय महमूद ऑफ गजनी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा All of the the above. <coughs> Next question question that is question number 23. Is mein match the following kaha gaya hai? Clear? तो ये हुआ था टेन ट्वेंटी फाइव राइट सबसे पहला जो बैटल है वो आनंदपाल के साथ हुआ था जो है बैटल ऑफ व ठीक है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमको समझ में आ जाएगा यार ये टेन ट्वेंटी है तो सबसे पहला तो यहाँ पे ये टेन जीरो एट ही देखने को मिल रहा है तो ये तो ऑब्वियसली यही होगा ठीक है अब आप याद रखिए मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है डब्ल्यू टी एम के ठीक है सो वह हो गया वे के बाद थानेश्वर आएगा तो यहाँ पर दूसरा हमको छोटा जो है फोर्टीन ही दिख रहा है तो इन्वेजन ऑफ थानेश्वर टेन फोर्टीन में ही हुआ होगा फिर एम के दिख रहा है दैट इज मथुरा ठीक है तो मथुरा इससे फिर छोटा सा थोड़ा सा बड़ा है वो टेन एटीन और नाइनटीन ही दिख रहा है तो ये हो जाएगा ये उसके बाद अब बचा सिर्फ इन्वेंशन ऑफ ऑन कर तो ये ऑब्वियसली ही होगा तो ये समझ में आ गया कि ये करेक्टली जो है सब अरेज है क्लियर तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओके एकेस्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हु हैड गिवेन महमूद एन इन्वेस्टिच्योर टू रूल एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ठीक है महमूद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने का अधिकार किसने दिया है यहाँ पर ये पूछा गया राइट सो so, बगदाद के जो खलीफ थे जिनका नाम है कदर बिल्ला उन्होंने उनको ये अधिकार दिया था ठीक है तो ये वाला आप लोग याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव महमूद ऑफ गजनी के साथ युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी तो हम ये सभी जानते हैं की बैटल जो पेशावर में जो पहला इन्वेजन किया गया था वन थाउजेंड एटी में वो जयप अल जो है उनके साथ हुआ था ठीक है बट हमें से कोई भी ये नहीं जानता कि आफ्टर दिस बैटल जयपाल ने क्या कर लिया था सुसाइड कर लिया था ठीक तो है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आर क्वेश्चन ऑफ द डे तो आई होप यहाँ तक सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा एंड कोई डाउट नहीं होगा सो so, हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है तारीख ए यामिनी क्लियर तारीख ए यामिनी के राइटर कौन है ठीक है तारीख ए यामिनी किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन है उत्बी फिर दो इब्न बतूता एंड अलबरूनी क्लियर सो मेक श्योर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखे एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्लियर सो so आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा दिल्ली सल्तनत के ऊपर क्लियर सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में